आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। Hello guys, तो इस के अंदर बताना है कि डेरिवेटिव इज मतलब इन केस ऑफ़ ग्लूकोज़, एंड फ्रक्टोज़, तीनों के केस में, ठीक है? तो वो किसके वजह से फॉर्म होता है द सेम कॉन्फिग्रेशन एट सी फाइव इन इनकरेक्ट है बिकॉज होता क्या है कि जो आपका मतलब डी ग्लूकोज डी मेनोज और डी फ्रक्टोज का जो कॉन्फिग्रेशन होता है वो ये होता है कि सी थ्री सी फोर एंड सी फाइव एंड सी सिक्स पोजिशन जो इनका कॉन्फिग्रेशन है वो सेम होता है कॉन्फिग्रेशन कॉन्फिग्रेशन सेम ठीक है बाकी आपकी जो C1 ओके okay, और C2 पोजीशन होती है उसका आपका फिनाइल हाइड्रोजन अटैक करके पी एच एन एनेज, एच एन एच टू ये आपका अटैक अटैक करके उन दोनों पोजीशन को भी आपका आइडेंटिकल बना देता है ठीक है तो आपका जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो आपका बिल्कुल सेम ओसा जो फॉर्म कर लेता है मतलब सेम टाइप का बन जाता है ठीक है मतलब हमारे पास कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग की तीन आ, चार पोजीशन होती है सीवन और सी टू को छोड़ के अगर वो आपकी सेम है ठीक है सी थ्री सी फोर सी फाइव और सिक्स सी सिक्स पोजिशन ठीक है तो आपका कंपाउंड जो है वो सेम होता जो फॉर्म करेगा ठीक है बिकॉज अगर ये चारों सेम है तो आपका सी वन और सी टू पर तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फिनाइल लाइडर है वो अटैक करके उनको सेम बना ही देगा ठीक है तो हमें जो चाहिए वो ये चाहिए है कि सी थ्री सी फोर और सी फाइव और सी सिक्स पोजिशन पर जो आ, मतलब आपका कॉन्फिकेशन है वो सेम होना चाहिए ठीक है देन आपका आता है ऑप्शन सेकेंड द सेम कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज बिल्कुल सेम कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होता सी uh, वन और सी टू पे डिफरेंस होता है देन आपका आता है ऑप्शन थर्ड द सेम कॉन्स्टिट्यूशन राइट सी वन एंड सी टू यह आपको बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज सी वन और सी टू पे तो डिफरेंट हो सकता है ठीक है देन आपका आता है ऑप्शन लास्ट ठीक है द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एट एंड सेम कॉन्फिकेशन एट सी थ्री सी फोर सी फाइव एंड सी सिक्स पोजिशन करेक्ट बट

आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर